आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत इति धर्मः। जो कुछ हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसी का नाम धर्म है। और वो धर्म हमारे जीवन में आ जाए तो समझ लेना धर्म पहले आता है, तभी ईश्वर की कृपा आती है। शिवालय के बाहर नंदी हैं और नंदी पर सवार होकर शिवजी चलते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि नंदी कोई और नहीं, धर्म ही है। जिस भी जीवन में धर्म है उसी जीवन में भगवान भी हैं। और धर्म बताया गया वह जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो, यही तो धर्म है। आप मान चाहते हैं और दूसरों को अपमान देकर चाहते हो कि मेरा मान रहे, तो संभव नहीं। जो कुछ आपने दिया वही लौटाया जाएगा। सुख देकर सुख की प्राप्ति हो सकती है, दुख देकर सुख नहीं मिल सकता। बेइज्जती करने वाले की इज्जत नहीं, आग लगाने वाले के बाग नहीं लगने वाले। गिराने वाला ना उठेगा ना उसको कोई उठाएगा। दूसरों को जो पीछे धकेलता है वो आगे नहीं जा सकता, थोड़ी देर के लिए आगे दिखाई दे सकता है, ऊपर वाले की मार पड़ेगी तो सदा के लिए जमीन में धस जाएगा। इसलिए अच्छा यही है जो हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार सबके साथ करना शुरू कर दें, इसका नाम धर्म है। जब धर्म जीवन में आता है तो धर्म पर आरूढ़ हैं भगवान, फिर उसकी कृपा हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और एक कमाल की बात और, जब आप धर्म को जीवन में धारण करते हैं, धर्म को सुरक्षित रखते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा तुम करो फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें संभाले रखेगा। इसलिए पहले तुम धर्म को संभालने वाले बन जाओ फिर वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर थे ना, तो उनको यक्ष ने धर्मराज कहा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, पूछा था कि ये बताओ इस दुनिया में आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति इह यमालयम्, प्राणी मात्र हर दिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अपनी उम्र वालों के को देखता है आदमी मर गए और उनकी अर्थी लेकर आदमी शमशान में जाता है, उसके बाद भी सोचता है इसकी आ गई थी चला गया, मैं तो अभी 80-83 साल तो रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है उसको मैं तो अमरता का प्रमाण पत्र लिखवा के आया हूं। और आश्चर्य करता है, अच्छा भला था कल ये और चला गया, कि यही दुनिया में मौत हमेशा ही जब भी आती है आदमी अपने बराबर वाले को जाते हुए देखेगा, अपने से छोटी आयु वाले को जाते देखेगा, फिर भी अपने बारे में भरोसा नहीं करता मैं भी जाऊंगा, ऐसे जीता है जैसे सदा रहेगा। क्या यही आश्चर्य है? यक्ष ने पूछा कि इस दुनिया में ताजा समाचार बताओ क्या है। तो उन्होंने समझाया कि दुनिया का हर समाचार थोड़ी देर के बाद में बासी हो जाता है, लेकिन जानने के बाद ही पुराना हो जाता ना समाचार, पर एक समाचार सब जानते हैं लेकिन उसके बाद भी हमेशा ताजा बना रहता। कौन सा? बोले जैसे हम किसी के बारे में सुनते हैं ना, आज उसकी डेथ हो गई, अरे कब कैसे, बोले मौत हमेशा दुनिया में ताजा समाचार बन करके ही आती रहेगी, ये समाचार ही बनेगी और वो भी ताजा। और ये ध्यान रख लेना कि ये ताजा समाचार तुम भी बन सकते हो, पर आदमी अपने बारे में कैसी बात बोले, राम 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 राम, ये बात मत कर देना, बाकी सब ठीक। बहुत सारे प्रश्न किए, सबके उत्तर देते गए युधिष्ठिर,
आखिर में उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारे भाई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, पानी पीने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनको मृत्यु लोक में भेज दिया, मतलब मूर्छित कर दिया था। अब मैं इनमें से एक को जिंदा कर सकता हूँ। अब ये भी परीक्षा ही थी उनकी। अब ये बताओ, सारे चार भाई गिरे पड़े तुम्हारे, और मैं जानता हूँ तुम्हारे सामने आने वाले समय में युद्ध भी हो सकता है, और जीतने के लिए भीम की अर्जुन की भी जरूरत पड़ेगी और भाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, तो किसको जिंदा करना चाहते हो, अर्जुन को या भीम को? युधिष्ठिर बोले नकुल को कर दो। नकुल को जिंदा करने से फायदा क्या होगा? युद्ध जीतने के लिए तो या तो अर्जुन चाहिए या भीम चाहिए। उस समय युधिष्ठिर ने आसमान की तरफ देखा और देख करके कहा, यक्ष हमारी दो माएँ थी, एक माँ कुंती और एक माँ माद्री। कुंती माँ का बेटा तो मैं जिंदा हूँ, दूसरी माँ निपुति ना रह जाए, उसका भी वंश दुनिया में रह जाए, इसलिए उसको जिंदा कर दो, मेरे और भाई भले ही रहे ना। लड़ाई झगड़े की और दुनियादारी की बातें तो बाद की है। अब आप जरा सोचिए कि युधिष्ठिर सोचता कैसे है, इतना बुद्धिमान होने के बाद भी यहाँ दिमाग से नहीं दिल से सोच रहा है। इस माँ का भी एक अंश, इस माँ का भी एक अंश दुनिया में रहे। दो मिनट में लोग रिश्ते नाते भूल जाते हैं, यही है धर्म। जब आदमी हृदय, क्योंकि हृदय से होकर धर्म का रास्ता जाता है, वो धर्म नहीं है जब आदमी दूसरों को, दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को न समझे, मानवता को न समझे। गोस्वामी तुलसीदास ने, बाबा तुलसी ने जो ये कहा ना, दया धर्म का मूल है, जड़ ही दया है, और पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ तो अभिमान है, अकड़ से ही सारे पाप, लड़ाई झगड़े मान अपमान की बातें यहीं से तो शुरू होती है। इसने मुझे छेड़ा, मुझे बोला, हिम्मत पड़ गई इसकी, मुझे और समझ नहीं आ रहा इसको, इसने मुझे कह दिया, मुझे मतलब तू क्या भैया, भगवान है तो। अकड़ जो है, अभिमान ये सारे पाप करा देता है, और दया जैसे दिल में आई बस धर्म शुरू हो गया। दया है तो धर्म शुरू है, और दया नहीं है तो निर्दयी होना धर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आज बहुत आवश्यकता है, दुनिया निर्दयी हो गई, निर्मम हो गई, बहुत दया की जरूरत है। तो भगवान ने कहा, जो मुझे सर्वत्र देखे, मतलब सब में मुझे देखे और मुझे, जब सब में देखे कोई भी व्यक्ति, सबको भी मेरे अंदर ही महसूस करे, तस्य अहम् न प्रणश्यामि, वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता, मुझसे दूर नहीं होता, मेरी दृष्टि से, मेरी कृपा से दूर नहीं होता। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग, दिनांक 13 से 14 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 13 दिसंबर शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे जोड़ा मंदिर से टाउन हॉल मैदान तक, भक्ति सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे एवं सायं 4 से 6:30 बजे। 14 दिसंबर ध्यान साधना शिविर प्रातः 9 से 11 बजे, भक्ति सत्संग सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष कार्यक्रम
मंत्र दीक्षा 14 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान टाउन हॉल मैदान पूर्व बर्धमान। आयोजक विश्व जागृति मिशन बर्धमान समिति। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।